जोधपुर से बरकत खान की रिपोर्ट। जोधपुर क्रांतिकारियों की धरती है। इस नगर के महिला और पुरुषों ने ही नहीं बच्चों ने भी स्वाधीनता संग्राम में अपना योगदान दिया था। मारवाड़ के स्वाधीनता सेनानियों का त्याग और बलिदान अविस्मरणीय है। देश के स्वाधीनता संग्राम में मारवाड़ का योगदान आज भी कथित ही है, लिखित नहीं है, इसलिए उनके योगदान को विस्मृत कर दिया गया है। आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में यह योगदान नए सिरे से लिखा जाना चाहिए। ये विचार प्रख्यात संस्कृतिकर्मी और चिंतक गोविंद कल्ला ने व्यक्त कहे हुए शनिवार को गांधी शांति प्रतिष्ठान केंद्र तथा जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के प्रौढ़ सतत एवं आजीवन शिक्षा विभाग के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित भारतीय स्वाधीनता का अमृत महोत्सव में बतौर मुख्य वक्ता विचार व्यक्त कर रहे थे। कल्ला ने कहा कि मारवाड़ के स्वाधीनता सेनानी निर्मल निष्पाप मन के लोग थे। देश की आजादी के लिए उन्होंने अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया और अनेक कष्ट और यातनाओं का सामना कर देश को आजाद करवाया। कल्ला ने कहा कि उन सेनानियों को याद करते समय रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उनके व्यक्तित्व एवं योगदान से नई पीढ़ी को अवगत कराना हमारा दायित्व है। कल्ला ने सुझाव दिया कि दिल्ली के अमर जवान ज्योति की तर्ज पर जोधपुर में भी स्वाधीनता सेनानियों की स्मृति में अखंड दिव्य ज्योति स्मारक बनना चाहिए। कार्यक्रम में भारत का स्वाधीनता संग्राम में दिन वे लोग विषय पर विचार व्यक्त करते हुए लक्की कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर शून्य अर्जुन सिंह सांखला ने कहा कि अमर शहीदों को याद करना राष्ट्रीय धर्म निभाना है। उन्होंने 1857 से 1947 तक की घटनाओं को संक्षेप में बताते हुए स्वाधीनता सेनानियों के योगदान को रेखांकित किया। डॉक्टर शून्य सांखला ने कहा कि जाति धर्म की संकीर्णताओं से ऊपर उठकर स्वाधीनता सेनानियों ने संघर्ष किया, उसी भाव को आज आत्मसात करने की जरूरत है। कार्यक्रम का गांधी भवन फेसबुक पेज पर सीधा प्रसारित किया गया, जैसे देशभर में सैकड़ों लोगों ने सुना। कार्यक्रम में मंचासीन अतिथियों ने गांधी भवन का नया फोल्ड का विमोचन कर्तव्य ध्वनि से किया गया। प्रारंभ में गांधी भवन के सचिव डॉक्टर शून्य भावेंद्र शरद जैन ने बाबा विनोबा के विचारों पर प्रकाश डाला और उन्हें गांधी जी का प्रथम सत्याग्रही बताया। डॉक्टर शून्य जैन ने कहा कि विनोबा का चिंतन क्रांतिकारी है और उनका हर शब्द उनकी प्रज्ञा और अनुभूति को दर्शाता है। विभाग के निदेशक डॉक्टर शून्य और शून्य पी शून्य टाक ने कार्यक्रम की रूपरेखा के बारे में बताया और इसके उद्देश्य पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में शहर काजी जनाब मोहम्मद तैयब अंसारी, राजकीय महाविद्यालय चैनपुरा की डॉक्टर शून्य संगीता कुपावत, राजकीय पी शून्य जी शून्य महाविद्यालय ओसिया की डॉक्टर शून्य रमा अरोड़ा, डॉक्टर शून्य इंदिरा, प्राचार्य योमित जांगीर हु शून्य माँ शून्य वी शून्य भगत की कोठी, एडवोकेट विजय शर्मा, अम्बाला जेदिया, मोहम्मद जाकिर, उषा गहलोत, जयपाल सिंह चांपावत, रामचंद्र, कमलेश सहित शहर के प्रबुद्धजनों की उपस्थिति उल्लेखनीय रही।